आज के कार्यक्रम में जिनके निमंत्रण पर हम सब यहां आए हैं, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष श्रीमान रजत शर्मा जी, जिनके नाम पर क्रिकेट स्टेडियम का आज नामकरण होने जा रहा है, स्वर्गीय अरुण जेटली के परिवारजन, आदरणीय संगीता भाभी, भाई रोहन, सोनाली, जिनके नाम पर आज एक गैलरी यहां पर बनाई है और जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में भारत को हमेशा यश दिलाया है, ऐसे श्री विराट कोहली और इनकी टीम के सभी सदस्यगण, मेरे साथी श्री पीयूष गोयल जी, किरण रिजिजू जी, अनुराग ठाकुर जी, भाई और बहनों, जब ये कार्यक्रम तय हुआ तब अरुण जी हमारे बीच में थे और आज जब ये कार्यक्रम हो रहा है तब अरुण जी हमारे बीच में नहीं है। सबसे पहले तो मैं अरुण जी के सभी चाहने वालों और भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री रजत शर्मा का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये स्टेडियम का नाम श्री अरुण जेटली के साथ जोड़ा है। अरुण जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, कई क्षेत्रों में इनकी दखल भी रहती थी और कई क्षेत्रों के वो नेतृत्व भी प्रदान करते थे। जहां तक क्रिकेट का सवाल है, बीसीसीआई आज जिस मकाम पर है उसमें अरुण जी का बहुत बड़ा रोल है। श्री जगमोहन डालमिया जी ने बीसीसीआई को आज का स्वरूप देने का काम किया और अरुण जी ने आईपीएल के वक्त, आईपीएल की जब रचना हो रही थी, एक लीगल डॉक्यूमेंट इस तरह से बनाया कि टेस्ट क्रिकेट भी बना रहा, वनडे क्रिकेट भी बना रहा और आईपीएल भी साथ में चल पड़ा और इसी के कारण आज ढेर सारे खिलाड़ियों को मौका मिला है। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन का कुछ समय पहले तक अध्यक्ष रहा, मैं जानता हूं जो बच्चे प्लेटफॉर्म की तलाश में रहते थे, जो बच्चे मंच की तलाश में रहते थे, आईपीएल के कारण उनके जीवन में बहुत बड़े मौके उनको मिले और शायद सिलेक्टरों का अन्याय सहन करना पड़ता था, उनके लिए आईपीएल अपना परफॉर्मेंस दिखाने का एक प्लेटफॉर्म भी बना। और जब आईपीएल की पूरी योजना बन रही थी मैं इसके अंदर इन्वॉल्व था, कई सारे हर्डल्स थे मगर बड़े धैर्य से अरुण जी ने एक 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 हर्डल को पार करते हुए अपने अंदर जो वकील बैठा था वो वकील को भारत के हजारों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करके आईपीएल को अंजाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल किया। क्रिकेट के प्रति उनका गहरा लगाव भी था, कमिटमेंट भी था। हम सब जानते हैं, दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के सारे सदस्य भी जानते हैं, सारे खिलाड़ी भी जानते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा, मैं गुजरात सरकार में मंत्री था, भाजपा की कोई भी सरकार हो जब लीगल दिक्कत होती थी सबकी नजर अरुण जी की ओर जाती थी। हम सब देर रात तक एक मुश्किल में डिस्कशन कर रहे थे, अंततोगत्वा तय हुआ कि दुविधा है तो अरुण जेटली जी को पूछ लिया जाए। सबको लगा कि इतनी देर रात को पूछना, अरुण जी वैसे जल्दी सोने वाले व्यक्तियों में से थे, तो अब सुबह पूछा जाए। तब मैंने कहा वेस्ट इंडीज के अंदर अपनी टीम खेल रही है, अरुण जी जरूर जागते होंगे, ट्राई करना चाहिए और पहली रिंग पर उन्होंने फोन उठा लिया।
यह कमिटमेंट था उनका, और यही कमिटमेंट ने दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर सिर्फ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से एसोसिएशन नहीं चला, कई प्रकार की चीजें एसोसिएशन के अंदर चली हम सब जानते हैं, मगर अडिग रहते हुए सबको साथ में रहते हुए आज जो क्रिकेट स्टेडियम का हम नाम देने जा रहे हैं वो स्टेडियम आज खड़ा है, हजारों लाखों बच्चों को एक अच्छा वातावरण जिसके कारण मिलने वाला है वो स्टेडियम अगर हुआ है तो इसका एकमात्र कारण अरुण जेटली है और उनकी धैर्यपूर्वक की निष्ठा है। श्री अरुण जेटली क्रिकेट के अलावे भी ढेर सारे खेलों का, खेल संगठनों का मार्गदर्शन करते थे, मदद करते थे, सरकार में हो या न हो, सरकार में हो तो सरकार की अंडरटेकिंग से खेलों को पैसा दिलाना, न हो तो कंपनियों को फोन कर सीएसआर से पैसा दिलाना, मैंने भी कई बार इसका फायदा उठाया है खेल संगठन के अध्यक्ष नाते, और कहीं पर भी इन्होंने इस चीज का यश लेने का प्रयास नहीं किया। खेलों के प्रति इनका जो योगदान है इसको आज सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनकी टीम ने किया है। मैं हृदय पूर्वक मेरी ओर से, मेरी पार्टी की ओर से और खेल संगठनों से जुड़े सभी लोगों की ओर से हृदय पूर्वक आपको बधाई देना चाहता हूं रजत जी कि आपने श्री अरुण जेटली के नाम को एक चीर स्मृति के साथ जोड़ा है। आज एक पेवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम के साथ जोड़ दिया, बहुत तुच्छ कदम है। कोई भी क्रिकेटियर, कोई भी खिलाड़ी जब आसमान की ऊंचाइयों को छूता है तो हर नए खिलाड़ी को जो अपनी करियर शुरू करता है उसको लगता है मैं भी कपिल देव बन जाऊं, विराट कोहली बन जाऊं, वीरेंद्र सहवाग और गंभीर बन जाऊं। मगर वो सभी युवा खिलाड़ियों को मैं कहना चाहता हूं कि टॉप को मत देखिए, जब वो आसमान की ऊंचाई को छूता है उसको मत देखिए, बचपन से लेकर सातत्यपूर्वक डिसिप्लिन के साथ जो उसका कमिटमेंट और तपस्या है उसका अनुसरण करना है, तभी जाकर आप वो जगह पे पहुंच सकते हैं। किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो खेल हो, चाहे राजनीति हो, चाहे बिजनेस हो, अगर टॉप पर पहुंचना है तो जीवन के अंदर कंटिन्यूटी रखनी पड़ती है, सातत्य रखनी पड़ती है, डिसिप्लिन रखनी पड़ती है, शिस्त रखना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, परिवार के साथ मस्ती करने का मोह छोड़ना पड़ता है, खिलाड़ियों की बात करें तो अच्छा खाने का मोह भी छोड़ना पड़ता है, फिटनेस के लिए घंटों व्यय करना पड़ता है, तब जाकर आप कहीं पर एक टॉप पोजीशन पर पहुंचते हो। और अपने देश के लिए, करोड़ों खेल प्रेमियों के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत बनते हो, उनके मन में एक हीरो भी बनकर आप उभरते हो। विराट ने इतने कम समय के अंदर इस सभी सिद्धियों को एक तपस्वी की भांति एक साथ संजोकर, एक लड़ी में संजोकर आज न केवल भारत, विश्व के टॉप मोस्ट क्रिकेटरों की सूची में अपना नाम उसमें भी टॉप पर रखा है। इसके लिए हम सब विराट आपको बधाई देते हैं और आपके लिए दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन ने जो किया है इससे कई सारे युवा खिलाड़ियों को मेरे नाम पर भी एक पेवेलियन हो जाए, ये प्रेरणा हमेशा मिलती रहेगी। मित्रों, मैं भी खेल संगठनों से जुड़ा हूं, अलग अलग 5 खेल संगठनों के अलग अलग समय पर मैं चेयरमैन भी रहा, 5ों से आज जुड़ा रहा हूं। देश के अंदर क्रिकेट ने जो सफलता अंकित की है वो सभी खेलों ने इसका केस स्टडी करने जैसी बात है। 70 के दशक में जब अपनी टीम को
खेलते हुए देखते थे, हारते हुए देखते थे, तब विचार आता था कि अपने लोग जीतते क्यों नहीं। और धीरे 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 जीतने की गाथा शुरू हुई। कपिल देव जी यहां उपस्थित है, कपिल देव के नेतृत्व में जब वर्ल्ड कप लेकर आए, पूरी दुनिया देखती रह जाए, इस तरह से भारत पूरा झूम उठा। और उसके बाद जो भारतीय क्रिकेट ने सफलता के इतिहास को रचने का काम किया, पहले सुशील दोषी कमेंट्री देते थे, वेस्ट इंडीज के साथ मैचों का आंकड़ा बोलते थे, तो खेले कितनी 80 मैच, जीते कितनी 3, ड्रॉ 30 और 25 हारे। ये आंकड़े को बिल्कुल भारतीय क्रिकेटरों ने आज शीर्षासन कराने का काम कर दिया है। आज जीतने वाली मैचों की संख्या विश्व में हमारी सबसे आगे निकली। मगर सफलता की गाथा है, हर खेल संगठन ने इसको स्टडी करने जैसा है। हम क्यों हारते थे? हम इसलिए हारते थे कि प्रोफेशनल क्रिकेटियर का मुकाबला नॉन प्रोफेशनल क्रिकेटियर के साथ होता था, प्रोफेशनल क्रिकेट के खिलाड़ियों का मुकाबला शौकिया खेलने वाले क्रिकेट खिलाड़ियों के साथ होता। ऐसा नहीं था कि हमारे अंदर क्षमता नहीं थी, मगर उसको शेप देने की मशीनरी नहीं थी, अच्छे स्टेडियम नहीं थे, कोच नहीं थे, उनकी बॉडी को फिट करने के लिए अच्छा गाइडेंस नहीं था, उनको दुनिया भर की क्रिकेट के खिलाड़ियों की खूबियों और खामियों को समझने के लिए फिल्म बनाकर उनको दिखाया नहीं जाता था, अच्छे कोच नहीं मिलते थे। और ये कमी धीरे 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 क्रिकेट के अंदर से दूर हुई जब क्रिकेट के अंदर पैसा आया, और बीसीसीआई ने इसका उपयोग क्रिकेट को बढ़ाने में किया। और आज पूरी दुनिया भारत के क्रिकेट की सफलता की इस गाथा को देख रही है। मैं मानता हूं बीसीसीआई के इस सफल कथा को हर से खेल संगठन ने स्वीकारना चाहिए, इसका स्टडी करना चाहिए, और हर खेल के अंदर भारत टॉप पर हो ये लक्ष्य लेकर चलना चाहिए। 130 करोड़ के देश के अंदर जब मेडल आते हैं तब देश की क्षमता पर बहुत सवाल या निशान होते हैं, मगर मुझे भरोसा है कि मोदी जी ने जो यात्रा शुरू करी है खेल के क्षेत्र में भी एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि तालिका में सबसे ऊपर हमारे भारत का नाम हर अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा के अंदर दिखाई दे। और इसके लिए क्रिकेट के संगठनों के साथ जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत सारी संभावनाएं। आज क्रिकेट दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल हो न हो, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल है। और क्रिकेट के माध्यम से जो पैसा अर्जित होता है, मैं मानता हूं इसको बाकी सारे खेल को छाया देने के लिए, इसके बढ़ावा देने के लिए उपयोग करना चाहिए। क्रिकेट के लिए विशेष करिए कोई आपत्ति नहीं है, मगर हरेक खेल को बढ़ावा देना चाहिए। स्टेडियम बने, साथ में सारे खेलों को खेलने की व्यवस्था क्यों न हो। अगर जगह की कमी है कुछ खेल तो आप अच्छे से खिला सकते हो, उनके कोचिंग की व्यवस्था क्यों न हो। उसके इंटरनेशनल कक्षा के कोच को क्रिकेट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन या स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन उसका खर्चा क्यों न उठाए। अपने आप का दायरा बढ़ाना चाहिए। देश में कई जगह पे ऐसी शुरुआत हुई है और इस शुरुआत को मैं मानता हूं कि हर स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ने आगे बढ़ाना चाहिए और खेलों की समग्रता से चिंता करनी चाहिए, खिलाड़ियों की समग्रता से चिंता करनी चाहिए। अगर कुछ दशकों पहले भारत के क्रिकेट के खिलाड़ियों को फुल टाइम क्रिकेट खेलने की छुट्टी होती, इतना अच्छा कोचिंग मिलता, इतनी अच्छी सुविधाएं मिलती, इतने अच्छे साधन और संसाधन मिलते, तो शायद आज क्रिकेट की गाथा भारत की अभी है इससे भी और स्वर्णिम होती। परंतु अभी भी कोई समय नहीं गया है,
मुझे भरोसा है कि हम आने वाले दिनों में दुनिया के सामने जिस प्रकार से 130 करोड़ देश का सम्मान हो, इस प्रकार से हमारे खिलाड़ी परफॉर्म कर आएंगे। आज यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेटर्स का रजत जी ने सम्मान किया, बहुत सारे क्रिकेटर्स जिनको योगदान को पूरा देश सलाम करता है उसको एक्नोलेज करने का काम श्री रजत शर्मा जी ने किया। विराट के नाम पर एक पेवेलियन बनाया, अरुण जी के नाम पर आपने स्टेडियम बनाया, इस सब काम के लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। फिर से एक बार अरुण जी ने अनेक विध क्षेत्रों में जो अपना योगदान दिया है और हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर जब भी संकट आया अरुण जी ने मदद किया है। अरुण जी को मैं मेरी ओर से, क्रिकेट की ओर से और मेरी पार्टी की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।